चाहे वो एक हो या तीन, अजीब ही होता है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप फिल्मी अपडेट में, जहां आज हम बात करेंगे साउथ की टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी के बारे में, जिनका काफी लंबे समय से हिंदी डबिंग का इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, ये सभी फिल्में हिंदी में डब हो चुकी हैं, YouTube पर अपलोड कर दी गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, प्रेथम। साल 2016 में आई एक बेस्ट ड्रामा मिस्ट्री मूवी, जिसे YouTube पर राजमहल रिटर्न हिंदी डब नाम से 27 फरवरी को अपलोड किया गया था। और इस फिल्म के लीड रोल में हैं गोविंदा पहम सूर्या, श्रुति रामचंद्रन और जय सूर्या जी। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इस फिल्म को 89% के लाइक दिए हैं। तो दोस्तों, आप इस पिक्चर को भी जरूर देखें। सब मरेंगे। नंबर 9, लास्ट बस। साल 2016 में आई एक बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसके लीड रोल में हैं अविनाश नरसिम्हा राजू, दीपा गोदा और मानसा जोशी जी। फिल्म की कहानी एक बस पर दिखाई गई है, जिसमें 6 यात्री सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एक कर उन सबकी हत्या होने लगती है। अब ये कौन हत्यारा है जो उनकी हत्या कर रहा है, ये आप फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इसे 77% के लाइक दिए हैं। नंबर 8, असुरावधम। साल 2018 में आई एक बेस्ट ड्रामा थ्रिलर मूवी, जिसके लीड रोल में हैं एम शशि कुमार, नंदिता श्वेता और शीला राजकुमार जी। फिल्म की कहानी एक आदमी के ऊपर दिखाई गई है, जिसे हर रोज एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आती है और उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर मार देने की धमकी दी जाती है। अब ये फ़ोन कॉल कौन करता है और क्यों उसे मारना चाहता है, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को IMDB ने 6.3 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर ने इसे 87% के लाइक दिए हैं। नंबर 7, सेमा बोथा अगाथा। साल 2018 में आई एक बेस्ट थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसके लीड रोल में हैं अथर्वा, अनिका सेट्टी और मिष्टी जी। फिल्म की कहानी एक लड़के के ऊपर दिखाई गई है, जो उस वक्त मुसीबत में फंस जाता है जब वो एक वेश्या को अपने घर लेकर आता है और अचानक से उस वेश्या की मौत हो जाती है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 5 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इस फिल्म को 86% के लाइक दिए हैं। तो आप इस फिल्म को भी जरूर देखें। नंबर 6, अथिरथा। साल 2017 में आई एक बेस्ट थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसके लीड रोल में हैं चेतन कुमार, कबीर दुहन सिंह और लता हेगड़े जी। एक टीवी रिपोर्टर लड़का, इसे एक बैंक घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि बैंक घोटाला किसी और ने किया था। अब ये बैंक घोटाला किसने किया था और क्यों किया था, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इसे 92% के लाइक दिए हैं। जैसे शैतानों को बर्बाद करने वाली आंधी हूं मैं। नंबर 5, कौन है विलेन। साल 2017 में आई एक बेस्ट ड्रामा थ्रिलर मूवी, जिसके लीड रोल में हैं विशाल, हंसिका मोटवानी और मोहन लाल जी। एक जासूस, जिसे शहर में हुई 3 हत्याओं की जांच के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद शहर में फिर से उसी तरह से 3 और हत्याएं कर दी जाती हैं। अब ये हत्याएं कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इसे 81% के लाइक दिए हैं। अब बताइए मुझे, हम में से विलन कौन है, आप हैं या फिर मैं?
नंबर 4 मबीरन किट्टू, साल 2016 में आई एक बेस्ट हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा मूवी, जिसके लीड रोल में हैं विष्णु, श्री दिव्या और सूरी जी। किट्टू और गोमती नाम का एक प्रेमी जोड़ा उस वक्त मुसीबत में फंस जाता है जब गोमती के पिता की अचानक से हत्या हो जाती है और उसका पूरा दोष किट्टू पर आ जाता है। अब किट्टू अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेगा और कैसे उस हत्यारे को पकड़ेगा, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने 86% के लाइक भी दिए हैं। எத்தனை வருஷம் நான் உங்க கூட இருக்கேன், ஏன் என் புத்தி அப்படி போச்சு? नंबर 3 रंगी तरंगा, साल 2015 में आई एक बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसके लीड रोल में हैं नीरू भंडारी, अवंतिका सेट्टी और राधिका नारायण जी। गौतम और उसकी पत्नी इंदु गांव में बने अपने पैतृक घर में जाते हैं, जहां उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने 92% के लाइक दिए हैं। तो दोस्तों, आप इस पिक्चर को भी ज़रूर देखें। नंबर 2 चेका चविंता वानम, साल 2018 में आई एक बेस्ट ड्रामा क्राइम मूवी, जिसे यूट्यूब पर आखिरी चाल अब कौन चलेगा हिंदी डब नाम से अपलोड किया गया है और इस फिल्म के लीड रोल में हैं अरुण विजय, अरविंद स्वामी और विजय सेतुपति जी। तीन भाई अपने पिता की अचानक मौत के बाद उनकी जगह लेने की कोशिश करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को मारने का षड्यंत्र भी रचते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने 92% के लाइक भी दिए हैं। क्या ये गन लोडेड है? हाँ है। तो देखिए, बिल्डिंग पुरानी है। नंबर 1 आठ थोताकल, साल 2017 में आई एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसके लीड रोल में हैं लल्लू, अपर्णा बाल मुरली और एम नासर जी। एक पुलिस ऑफिसर जो गलती से अपनी सर्विस पिस्तौल को खो देता है और उसकी वो पिस्तौल एक खतरनाक हत्यारे के हाथ लग जाती है, जिससे वो एक के बाद एक हत्याएं करने लगता है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने 89% के लाइक भी दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री क्राइम मूवी। आप इनमें से कौन सी मूवी देखना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। वो लड़की भी जवान है, देखकर फिसल गया क्या? चेन्नई में एक लड़की का अकेले काम करके जीना कितना मुश्किल होता है पता है तुम्हें?